पति के स्वामी राबू की देवा, ये कहाँ का वीडियो? छपरा जिला का वीडियो है, भी है ये सब कर दिए हैं कलो के ऊपर। अनुपूर्णा जो फिल्म्स जो कंपनी है जिसके ऊपर वो डाला गया है, हाँ अनुपूर्णा, वो एक्चुअली हम कर दिए हैं केस, नोटिस भी चला गया होगा। पेशा से इंजीनियर थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किए हैं, एलपीयू से, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर से। हेलो दोस्तों, नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और हालांकि जितने भी दर्शक हमारे पुराने होंगे जो चैनल शुरू से देखते आ रहे हैं, उनको यही पता होगा कि हमारे चैनल पर हमेशा भोजपुरी इंडस्ट्री से रिलेटेड गाना, सिंगर चाहे जो भी है उनका इंटरव्यू होता है। लेकिन आज पहली बार किसी पत्रकार का इंटरव्यू हम लोग लेने जाए, हालांकि हमारे से पॉपुलरिटी में ज़्यादा है, सब कुछ में ज़्यादा है, एज में भी ज़्यादा है, चाहे सब कुछ में ज़्यादा, लेकिन जाने का प्रयास करते हैं कि ये जो पॉपुलरिटी है इनको हाल फिलहाल में मिला या शुरू से मिलते आ रहे हैं, तो कैसे है? बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए और हमारे हमसे कुछ जानने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। सबसे पहले छोटा सा क्वेश्चन रहेगा आपका, यूट्यूब पे आए हुए आपको कितना दिन? यूट्यूब या फेसबुक लगभग सेम हो, 5 साल से हो गया, चार पाँच साल हो गया। अच्छा, 4-5 साल जब पहले आप पहली बार आए थे यूट्यूब पे, यही काम कर रहे थे या फिर कुछ अलग था, ब्लॉगिंग वगैरह? हम एक्चुअली पेशा से इंजीनियर थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किए हैं, एलपीयू से, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर से। और इंजीनियरिंग करने के बाद हम एज ए असिस्टेंट सर्विस इंजीनियर हम काम करते थे। हम गल्फ में भी गए हैं, बाहर इंडिया के बाहर भी काम किए हैं, विदेश में भी गए हैं। जी, तो ये मेरा स्टार्टिंग जर्नी रहा। पढ़ाई के बाद हमको नौकरी मिल गया अपना सिवान और गोपालगंज, दोनों जिला के असिस्टेंट सर्विस इंजीनियर थे, प्राइवेट कंपनी में थे। वो कंपनी मशीन बनाती है और मशीन बनाकर HPCL, ISCL और BPCL को बेचती है, उसमें हम सर्विसिंग का काम करते थे, जाते थे। उसके बाद से हम इंडिया के बाहर गए, इंडिया के बाहर भी रहे। उसके बाद से हमको लगा कि हमको लगता है कि भगवान हमको जिस काम के लिए बनाए हैं, लगता है उस काम में हम फिट नहीं हैं, ये नहीं है मेरा, हम वो लगता है कि मेरा ये काम नहीं। हालांकि अच्छा पैसा मिल रहा था वहाँ पर, अच्छी कंपनी में थे हम, सब कुछ सुविधा था, कंपनी का गाड़ी मिला हुआ था, तो सब कुछ था, लेकिन फिर भी हमको लगा कि नहीं यार, हम जिस काम के लिए हमको भेजे हैं भगवान, लगता है कि ये नहीं है। कैसे आपको फील हुआ कि मुझे अलग लाइन में जाना चाहिए? नहीं, देखिए हमको लगा कि हम, मतलब जैसे कि हर आदमी का एक माइंड होता है, हर आदमी का माइंड होता है कि हमको ये चीज़ करना चाहिए, तो हमको घूमना, लोगों, नए नए लोगों से मिलना, नए नए लोगों से बात करना, उनके इंटरेस्ट के बारे में जानना, ये मुझे काफ़ी पसंद है। और थोड़ा सा शायराना किस्म के आदमी हैं, और थोड़ा सा मजाकिया किस्म के आदमी हैं, हंसी मजाक में कुछ बोल देते हैं या बुलवा लेते हैं, कह देते हैं, कहवा देते हैं, तो ये मेरा थोड़ा सा अंदाज है, जिसके चलते हमको लगा कि ये मेरा फील्ड नहीं है, मेरा फील्ड कुछ और है, तो लगे हुए हैं। देखिए जिस तरह से आप बताया आपका शायराना अंदाज है घूमने फिरने का, हंसी मजाकिया, वो आपको कहीं ना कहीं यूट्यूब पर फेमस कर दिया है। और मैं जो भी ये दर्शक देख रहे हैं उनको मैं सबसे पहले आपके द्वारा ये बताना चाहूँगा कि जब आपका ये वीडियो वायरल हुआ था, पति के स्वामी राबू की देवा, ये कहाँ का वीडियो? छपरा जिला का वीडियो है। छपरा जिला का वीडियो है। कैसे, मतलब क्या कहानी था वहाँ पे? कहानी ऐसा था कि औरत के साथ अत्याचार हो रहा था, उस महिला के साथ में पति मारता पीटता था। और देखिए शक ऐसा चीज़ है कि शक का कोई इलाज नहीं है। अगर कोई पति अपने पत्नी के ऊपर शक कर लिया तो उसके दिमाग से वो जो वर्ड है शक, उसको हटाना बहुत मुश्किल है। भले पत्नी ठीक है, पत्नी में कोई कमी नहीं है, पत्नी अपने जगह पर सही है, लेकिन फिर भी अगर पति के अंदर ऐसा कुछ घुस जाता है तो फिर वो बहुत बड़ा कैंसर की तरह होता है। इसलिए कहते हैं कि शक का इलाज नहीं है। शक का कोई इलाज नहीं है, तो उसके पति के अंदर शक हो गया था। हालांकि औरत इस तरह का कुछ नहीं थी, और पति ने औरत को इतना बदनाम कर दिया था कि लास्ट में बार बार यही बोलता था कि यार मेरे भाई के साथ रहती है, मतलब वो अपने देवर के साथ, भाई के साथ रहती है, भाई के साथ रहती है। हालांकि ऐसा कुछ हमको लगा नहीं जहाँ तक हम एनालाइज कर पाए उस मैटर को। तो आपका ये मतलब हो करके वो बोली कि नहीं हम देवर के साथ रहेंगे, तो वो एक सीन था। और आपको पहले ही बताया कि थोड़ा सा सारा ना अंदाज है, मजाकिया अंदाज है, उसी अंदाज में हम उससे पूछे और वो भी परेशान थी, तो बोल दी कि हम देवर के साथ रहेंगे, तो वो वर्ड जो है कि वायरल। अच्छा, ये आपके जो भोजपुरी डिस्ट्रिक्ट के कॉलोजी है, इस गाने को मतलब ये उठाकर इस क्लिप को अपने गाने में लगाए भी थे, और पता चला कि आप उन पे केस करने वाले। देखिए चल रहा है, कोर्ट का मामला है, कोर्ट जैसे डील करेगा उसको। तो ये बताइए, तो रहा आपके और कलू के बीच के मामला, लेकिन जिसका आप इंटरव्यू लिए हैं वो औरत जो बोली है, उसके तरफ से कोई रिएक्शन आया कि नहीं इस गाने को वायरल होने के बाद? नहीं, हमसे तो बात नहीं हुआ, लेकिन कहने का मतलब है कि वो खुद स्वयं से इंटरव्यू दी है, उसका रिएक्शन मायने रखता है और नहीं भी रखता है, क्योंकि वो खुद बुला करके इंटरव्यू दी थी और उसने खुद कहा है उस वीडियो में, पूरा 9-10 मिनट का वीडियो है, तो उसके तरफ से तो रिएक्शन नहीं आया, उतना देखने को नहीं मिला। लेकिन वो भी परेशान थी कि मेरा ऑडियो को क्यों इस तरह से गाने में डाला गया है, और मैं भी इस बात से दुखी हूँ कि गाने में किसी का ऑडियो नहीं डालना चाहिए, ये मूर्खता है, उस मूर्ख व्यक्ति का काम है, जिस व्यक्ति इतना मूर्खता पर गिर जाता है कि किसी महिला के सम्मान को नहीं देखता है, कि वो महिला एक सम्मानित है, उसको सम्मान, कोई भी महिला हो, किसी घर की बेटी बहू हो, उसको सम्मान से देखना चाहिए, तभी हमारे घर की बेटी बहुओं को लोग सम्मान देंगे, सम्मान से देखेंगे। अच्छा, जानना चाहेंगे कि जो आपका ये वीडियो वायरल हो गया, तो ये तो आपके और कोलू के बीच का मैटर सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि जो आपका जिस वो लड़की का इंटरव्यू लेते हैं महिला का, उसको न्याय मिला कि नहीं आपके इंटरव्यू के बाद, उसका क्या हुआ?
इंटरव्यू के बाद वो महिला जो है कि पति को लगा कि भाई गलत किए हैं हम, पति को एहसास हुआ कि अगर शायद हम ऐसा नहीं करते तो ऐसा मामला जितना तुल नहीं पकड़ता, तो कंप्रोमाइज करके पत्नी के साथ में साथ में ये तो फायदा हुआ उसको। चलिए ये बात है वायरल होने की, ये कहीं ना कहीं इनका वीडियो सही मकसद से बनाए और कहीं ना कहीं वो लोग पति पत्नी एक साथ रहने जानने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग यूट्यूब पे आके बोल रहे हैं कि गिरी बाबा कलू के ऊपर केस नहीं किए, पैसा के ऊपर मतलब घुसखास लेकर आप चुप हो गए। नहीं ऐसा बात नहीं है, हम केस कर दिए हैं। अब इसका प्रमाण क्या है, कोर्ट का मामला है, कोर्ट देखेगा। और सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहते हैं मतलब प्रूफ के तौर पर? सोशल मीडिया पर लाने का मकसद ये इसलिए नहीं है कि वो तो गलती किया है और सोशल मीडिया पर ला करके फिर से हम उस महिला को हम नहीं शर्मिंदा करना चाहते हैं, इसलिए जानना चाहते हैं कि आपके जैसे वो हर एक शहरी इलाके में चाहे गाँव के इलाके में जाता आपका वीडियो आता है, अगर कहीं पर घटना होता है, इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं वो कैसे आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहेंगे? मेरे पेज पे मेरा मोबाइल नंबर है, उस पे दिया हुआ है, और पेज से ही कोई भी मोबाइल नंबर लेकर के फ़ोन करता है, बात करता है। एक बार पेज का नाम बता दीजिए, क्या है? भोजपुरिया चकोरा। और यूट्यूब चैनल तो भोजपुरिया चकोरा के नाम से ही है। अच्छा, मेरा आपसे एक स्पेशल मेरा शिकायत है आपसे कि आप हमेशा यही जो ये न्यूज़ है क्यों कवर करते हैं, कुछ अलग हट। आपसे मेरा ये शिकायत है कि आप वही न्यूज़ क्यों देखते हैं? अच्छा, ये मतलब ये आपसे भी मेरा ये शिकायत है कि आप वही न्यूज़ क्यों देखते हैं? अभी खोलिए, आपके पास मोबाइल है तो निकाल कर देखिए कितने अच्छे अच्छे न्यूज़ डाले हुए हैं, कितने कलाकार हैं, गायक हैं, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, उनसे सवाल पूछे हुए हैं, बगझग हुआ है, तो देखिए ना, आप वही देखते हैं तो आपके दिमाग में वही सेट रहता है। क्या बात है, क्या तर्क दिए हैं कि आप जो देखेंगे हम वही डालेंगे ना? नहीं ऐसा बात नहीं है कि आप जो देखेंगे, हम सब दिखाते हैं, लेकिन आप देखना चाहते हैं वही आप ढूंढ ही लेंगे, हम नहीं डालेंगे, कोई और डालेगा तो आप खोज ही लीजिएगा कि क्या देखेंगे। वो मानसिकता बन गया है। अच्छी बात है, कहना चाहेंगे आपसे यही कि देखिए जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत अच्छे पोस्ट पर थे और यूट्यूब पे आके इन्होंने बहुत ज़्यादा वायरल कर दिया, और एक आपका वो डायलॉग हो जाए थोड़ा कि सारे लोग जो देख रहे हैं जान ले। नहीं डायलॉग बोल करके फिर वो महिला को शर्मिंदा हम नहीं करना। वो डायलॉग नहीं, साफ सुथरा वाला, वही साफ सुथरा में महिला है ना, महिला का डायलॉग है ना उसमें, उसका वर्ड है वही। ऐसा सीन आया जिसमें हमको बोलना पड़ा महिला से कि साफ सुथरा बताओ कि एकरे साथ रहबू, तो महिला बोली कि हम देवर के साथ रहेंगे। बाद में उस लोग को लगा कि हम लोग गलती किए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर पति पत्नी दोनों आदमी एक साथ में अपना रह रहा है, जीवन गुजार रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन ये काट करके गाना में जो डाला गया है ये कहीं ना कहीं अपराध किया गया। लेकिन मैंने जब अब एक इंटरव्यू देखा उसमें मैं देखा तो सारे लोग शौक हो गए कि भाई बिहार में अभी चाहे कहीं भी किसी का वीडियो वायरल होता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन आपका वायरल होते आप इंटरव्यू में एक बता रहे हैं कि मुझे बहुत दुख है इससे। नहीं दुख, मुझे खुशी तब होती जब उस ऑडियो में उस महिला का आवाज़ नहीं होता, उस महिला का आवाज़ से मैं दुखी हूँ। उस महिला की आवाज़ का होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, मेरा होता कोई दिक्कत नहीं था, उस महिला के आवाज़ के चलते मैं दुखी हूँ। उस महिला का आवाज़ उसमें नहीं होना चाहिए, किसी महिला का सम्मान होना चाहिए। लास्ट में आपसे यही एक छोटा सा क्वेश्चन है, सारे लोग समझते हैं कि गिरी बाबा गोपालगंज के, आज थोड़ा बता दीजिए कौन से जिले का है, कहाँ से? हमारा तो सब जिला हमारे है, बिहार हमारा ही है और हम बिहार के रहने वाले हैं। वैसे मेरा घर सिवान जिला में पड़ता है, लेकिन कुछ लोग गोपालगंज जिला में, ज़्यादा हम उधर ही रहते हैं, ज़्यादा गोपालगंज जिला में ही रहते हैं। बरौली हो गया आपको, मीरगंज हो गया, गोपालगंज हो गया, माझा हो गया, तो ज़्यादा इसी क्षेत्र में गोपालगंज क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए लोगों को लगता है। चलिए अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जो लोग दर्शक आपके इस वीडियो को देख रहे हैं? सब लोग देखिए, अच्छा देखिएगा, अच्छा दिखाएंगे, हम लोग का प्रयास है दिखाना, और हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, बहुत समस्याओं को दिखाने का प्रयास किए हैं, लड़ाई लड़े हैं ग्राउंड पे, और आगे भी हम थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा मजाकिया किस्म के आदमी हैं, वीडियो बनाते हैं वैसे ही लोगों को थोड़ा सा इंजॉय करते हैं। हमको लगता है कि जो आप काम करते हैं उसमें आपको मतलब कि सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, जब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे उस काम में तो काम करने से कोई फायदा मन नहीं लगेगा। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हमारे चैनल पर आके इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया, कीमती टाइम, और जो भी इस दर्शक चैनल को वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इनको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के बारे में थोड़ा। बिल्कुल, ट्रेंडिंग मैटर है ना जी, ट्रेंडिंग मैटर भोजपुरी चैनल है, आप लोग इनके चैनल पर भी जाइए, इनको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इनको ढेर सारा दुलार प्यार दीजिए कि ये भी मेरे छोटे भाई हैं, ये भी आगे बढ़े हैं, भगवान इनको दिन दोगुना रात चौगुना करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए गुड बाय।